और ये रमजान की रौनक देखे सलाम बिरयानी पे कितनी है। अब हम खड़े हैं सलाम बिरयानी की किचन में। रमजान का मुबारक महीना जलवा अफरोज है और हम सब इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। तो गाइज आज जो सीन है, आज आए हैं जाफराबाद मेन रोड पे और ये है सलाम बिरयानी। सलाम बिरयानी पे आए हैं, ये बहुत फेमस बिरयानी है और ये लोनी की मशहूर बिरयानी है जो इस टाइम जाफराबाद मेन रोड पर यहाँ पे इनका सेटअप है। ये इन वन रिव्यू देंगे, बिरयानी खाएंगे और क्राउड से भी बात करेंगे। जो इनका कबाब और बिरयानी का सेटअप है वो भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो रमजान की रौनक देखे सलाम बिरयानी पे कितनी है, क्राउड बहुत है, पब्लिक बहुत है और ये तकरीबन शहरी तक ये काम चलता रहता है। तो ये सलाम बिरयानी दिखाते हैं आपको, आइए अंदर चलते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है भाई? भाई ये हमारे अफजाल भाई सलाम बिरयानी से है ये, और मैनेजमेंट जो है इन्हीं के हाथ में सलाम बिरयानी का। तो ये कितना टाइम से चल रहा है यहाँ पे? ये पहले रोजे को स्टार्ट किया था, पहले रोजे को ओपन कर दिया था जी। अच्छा, बड़ा क्राउड है यार, बड़ा नहीं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिक का तुम्हें यार जी जी, लोगों की मोहब्बत है। ये सेटअप जो है अपना कब से शुरू हो जाता है रमजानों में? रमजान में ये है इफ्तार के वक्त से पहले, असर के बाद। अच्छा, और सुबह के 4 बजे तक रहता है ये। तकरीबन शहरी तक चलता है जी, शहरी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है और अल्लाह का भी करम हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब तकरीबन पहले रमजान से स्टार्ट हुआ है जी जी। तो आप देख सकते हैं क्राउड मगर यहाँ पे बहुत कर रहा है, क्राउड जो है बड़ा जेन्युइन क्राउड है और क्राउड से आइडिया नहीं लग रहा कि भाई ये जैसे कि 20-25 दिन पुराना सेटअप हो। इंशाल्लाह ईद के बाद हम इसमें और अपडेट करेंगे। अच्छा जी, ईद के बाद इसमें हलीम वगैरह और हो सकता है शायद इसमें रोटी वगैरह ऊपर रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट टाइप बनाओगे जी जी। ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये, खासकर बिरयानी लवर जो फूडी होता है ना, बिरयानी ढूंढते जगह जगह उनके लिए। हमारे अफजाल जो है सलाम बिरयानी से जो है हमें लेकर आए अपनी किचन में, और देखे यहाँ पे जो है पतीले चढ़े हुए गैस पे। गाइज हम आपको दिखाएंगे हमारा जो अचार है वो हम हरी मिर्च का जो होता है वो हम खुद ही बनाते हैं। आइए, ये हमारे यही बनता है, कौन अचार रहता है, बहुत टेस्टी एंड लजीज रहता है। और इसमें दिखाएं अफजाल भाई क्या चल रहा है, इधर दिखाएं जरा। इसमें अर्शद भाई, इसमें अखनी रेडी हो चुकी है, ये देखिए आप क्वांटिटी कितनी है। फुल साफ सुथरा गोश्त लगाते हैं, फ्रेश गोश्त लगाते हैं जी। और ये चल रही है बिरयानी की तैयारी, इसमें प्याज डाल दिया है, मसाला वसाला डाल के इसमें बिरयानी तैयार की जाएगी। तो गाइस ये वाला पतीला हम खोल नहीं सकते क्योंकि ये इस टाइम दम पे चढ़ा हुआ है, मामला खराब हो जाएगा। तो गाइस क्वांटिटी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 किलो का पतीला है, तकरीबन बिरयानी तैयार होने के बाद 100 किलो पतीला है बैठता है और ऐसे ही खत्म होता रहता है और वहाँ रिफिल होता रहता है। और ये बारबेक्यू की जो भट्टी है ना, बारबेक्यू सेशन इन्होंने बाहर की तरफ लगा रखा है, अंदर ऊपर इन्होंने शोरूम बना रखा है, उसमें बैठ के खाते रहते हैं लोग। रेस्टोरेंट में सिटिंग का एरिया हमने आपको दिखाया था और बाहर ये नए नए फ्रेश फ्रेश कबाब बनते रहते हैं और यहीं से पब्लिक में सर्व होते रहते हैं। तो गाइस देखें कुछ भाई लोग यहाँ बैठ के बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अजीजुर रहमान उर्फ राजू। अच्छा, बिरयानी बताओ। बिरयानी मेरा काम है खुद बिरयानी का, मीना बाजार के अंदर जामा मस्जिद मीना बाजार 2 नंबर गेट पे मेरी अपनी बिरयानी लगती है। अच्छा, मगर भाई की बिरयानी मैं आज से नहीं कई सालों से खा रहा हूँ। कितने टाइम से खा रहे हो तकरीबन? कम से कम भाई 15 साल तो हो गए मुझे। तो गाइस देखे बिरयानी की दीवानगी कितनी है भाई के अंदर, क्या 15 साल से बिरयानी खा रहे हैं और खुद बिरयानी वाले है भाई। ये भाई बैठे हैं इनसे बात, भाई नाम बताओ पहले अपना। भाई नाम है मेरा शुएब मलिक। अच्छा जी, कब से खा रहे हो सलाम बिरयानी? सलाम बिरयानी तो माशाल्लाह जब से लोनी बाजार लगाता था मैं ले रहता हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे बिरयानी खाते हुए। सलाम बिरयानी जी, मतलब इनकी पहली वाली ब्रांच से खाते हुए आ रहे हो? मंडे मंडे। तो कुछ अलग है टेस्ट में, कुछ जायके में या कुछ मुख्तलिफ? मतलब मार्केट में जाफराबाद में और भी बिरयानी बिक रही है? नहीं वो अलग है, वो ज्यादा मसाले वाली होती है, लाइट है पर ये। अच्छा, तो गाइस माशाल्लाह इतनी प्यारी सी बिरयानी आ चुकी है, देखे साफ सुथरा सा गोश्त है और धुआं छोड़ती हुई बिरयानी है, मैंने गार्निश कराया ब्राउन प्याज के साथ में और साथ में दिए ये कबाब, ये अचार और इनकी ये टमाटर की चटनी। तो इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे कि जायका है कैसा इसका। तो पहली बाइट लेता हूँ मैं, बिस्मिल्लाह। गाइस सिंपल सोबर सा टेस्ट है, जैसे अपनी यूपी की स्पेशल बिरयानी होती है वैसा ही जायका है और ज़्यादा हैवी नहीं है, मसाले सारे लाइट हैं, स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल सा टेस्ट है, बढ़िया है, बेहतर है। और कलर वगैरह जो है खिले खिले चावल है, कलर जो है आप देख ही सकते हैं,
जाफरान टाइप कलर हो रहा है इसका, और जो इसके साथ में इसका जायका जो इनहेंस करता है ना वो करते हैं ये कबाब। हम इसे इसके साथ में ट्राई करेंगे और बताएंगे। देखें गाइस कबाब भी काफ़ी अच्छी हेल्दी है, काफ़ी लेंथ है कबाब की, काफ़ी मोटे कबाब है, काफ़ी क्रिस्पी से कबाब हो रहे हैं, बड़े जूसी से बिल्कुल रोस्ट हुए हुए हैं। और इसे एक बार इसे भी देखते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत सॉलिड जायका है, बहुत आला। गाइस हमारे सामने इतनी शानदार सी बिरयानी रखी हुई है, दिल का और जबान का ताल्लुक जोड़ेंगे बिरयानी से। कैमरे को देंगे 2 मिनट का ब्रेक और फिर ब्लॉग में बात करेंगे इसे फिनिश करने के बाद ब्लॉग में। टेस्ट बिल्कुल यहाँ भी बरकरार रख रखा है अपने, क्राउड माशाल्लाह बहुत ही है, कुछ ऐसी जादू वादू तो नहीं डालने इसमें बिरयानी में? जादू वादू कुछ नहीं है, सब ये प्यार है, दिल्ली वालों का तो बहुत ज्यादा ही प्यार है हमें। अच्छा, रिक्वायरमेंट थी इसकी कि हमारे यहाँ दिल्ली में भी करो। अच्छा, तो हमने मुस्तफाबाद में किया, फिर मुस्तफाबाद से फिर यहाँ मुस्तफाबाद में भी काफी क्राउड है माशाल्लाह। वहाँ जो था ना वो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ बड़ा जाम लगता था, पुलिस की बहुत समस्या आती थी, तो हमने इसी वजह से ये चूज किया क्योंकि हमारा कस्टमर भी बहुत इधर है। हाँ, कहा कस्टमर को भी आसान हो जाएगी और अपना पार्किंग की भी समस्या। तो ये टोटली जो कॉन्सेप्ट है कितने टाइम से चल रहा है ये तो हमारा 25-30 साल हो गई थी। 25-30 साल से बन रहा है यही बिरयानी बन रही है। गाइस देखिए 25-30 साल से ये जो जायका है पब्लिक के बीच में सर्व कर रहे हैं। जो मेन ब्रांच है वो लोनी में, एक ब्रांच इनकी मुस्तफाबाद में है और एक ब्रांच ये मौजपुर में जाफराबाद में खुली है अभी मेन रोड में। तो आप आए ट्राई करें और जायका बताएं कैसा है। हमने खाया, हमें बड़ा मजा आया, आप भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके। और ये उनके ओनर थे हाजी जी, तो इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़े बड़ा शुक्रिया। तो गाइस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।